देखिए कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और काल से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जिसका संबंध जाना जाता है मीन्स ये चिन्ह कारक का जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको बताएंगे कैसे जानेंगे ये कौन सा कारक। अब देखिए बेटा कारक के आठ होते हैं, कारक जो हमारा वो होता है वो हमारा आठ होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है कर्ता कारक, सेकंड नंबर है कर्म कारक, थर्ड नंबर है करण कारक, फोर्थ नंबर है संप्रदान कारक, फाइव नंबर आपका है अपदान कारक, सिक्स नंबर है आपका संबंध कारक और सेवन नंबर आपका अधिकरण कारक और एट नंबर आपका संबोधन कारक। इसको संस्कृत में इसकी हम विभक्तियाँ भी देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए ये हमारा होता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्ट विभक्ति। ठीक, अब देखेंगे कर्ता ने इसका चिन्ह होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान कारक जो होता है बोलता है इसका चिन्ह होता है के लिए, जहाँ पर के लिए या वाक्य में पढ़ के उसका अर्थ देखेंगे जहाँ पर के लिए समझ में आता है वो हमारा संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक में से अलग होना, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, जैसे पेन है हमने पेन से कैप को अलग कर दिया वहाँ पे अपादान कारक होते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, मीन्स पंचवर्ती अपादान का कारक अपादान का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है हमारा का की के रारी रे। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मे पे पर, संबोधन का होता है हे वो अरे। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं जैसे हम लोग स्टेज पर बुलाते हैं तो बोलते हैं श्रीमान या हिंदी बोलते श्रीमान आइए आप स्टेज पे आइए या मंच पे आइए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े संबोधन के साथ हम बुलाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम संबोधन कारक है। अब हम इसके आपको उदाहरण बताएंगे। फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक, इसका चिन्ह ने, जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, कार्य किसके द्वारा हो रहा है गोपाल के द्वारा, गोपाल के द्वारा कार्य हो रहा है। अब हम आपको इसको समझाएंगे, जैसे है गोपाल, यहाँ पे हमारा कर्ता कौन है गोपाल, क्योंकि गोपाल जो है वो क्या लिख रहा है बेटा पत्र लिख रहा है, गोपाल पत्र लिख रहा है, तो गोपाल ने मतलब गोपाल ने पत्र लिखा। अब यहाँ है राम ने खेला, तो यहाँ पे कर्ता कौन है राम, राम क्या कर रहा है बेटा खेल रहा है, यहाँ पे चिन्ह क्या है ने, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया कर्ता कारक। सेकेंड नंबर हमारा कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, पेड़ को मत काटो, पेड़ हमारा क्या है इसका कर्म है ये पेड़ है, पेड़ को मत काटो, ये को हमारा हो गया चिन्ह, तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। थर्ड नंबर है कर्ण कारक, से के द्वारा, जैसे मोहन गेंद से खेलता है, मोहन किससे खेलता है जो मोहन है किससे खेलता है गेंद, मोहन जो है गेंद से क्या करता है खेलता है, तो जो से हो गया वो हमारा क्या हो गया बेटा कर्ण कारक हो गया, से हमारा कर्ण कारक, क्योंकि इस मोहन जो है गेंद के द्वारा खेल रहा है, गेंद के द्वारा मतलब के द्वारा, मोहन जो है गेंद के द्वारा कार्य कर रहा है, गेंद के द्वारा खेल रहा है, तो यह हमारा कर्ण कारक हो गया। फोर्थ नंबर हमारा संप्रदान कारक, मीन्स के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल ये फूल पूजा के हेतु है, हेतु मीन्स क्या होता है हेतु का अर्थ मतलब पूजा के लिए, इसका अर्थ हम निकालेंगे तो ये फूल पूजा के हेतु है, तो हेतु मीन्स हेतु का अर्थ क्या निकलना के लिए, तो ये फूल पूजा
जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से कौन अलग हो रहा है? पत्ते। तो यहाँ पर अपादान कारक हो रहे होगा। जैसे इसका एग्जांपल है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। तो यहाँ पे हम अपादान कारक व्यक्ति में पर्सन व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। सिक्स नंबर आपका है संबंध कारक, जिससे जिसका कोई संबंध होता है। ठीक, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। ये हमारा संबंध कारक है। इसका एग्जांपल बेटा देखेंगे, रवि का घर बड़ा है। रवि का जो संबंध है वो किससे है? घर से, क्योंकि जो घर है वो किसका है? रवि का है। ये जो घर है वो किसका है? रवि का है। तो रवि का संबंध किससे है? घर का, और घर का संबंध किससे है? रवि का। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है बेटा ने, पे, पर। ने, पे, पर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पुस्तक मेज पर रख दो, जहाँ पर जो जिस चीज का आधार माना जाता है, आधार मान के जहाँ पर कार्य किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। पुस्तक मेज पर रख दो, इस पुस्तक का आधार क्या है? मेज, और मेज का पुस्तक। पुस्तक को हम किस पर रखेंगे? मेज पर। और मेज पर क्या रखी जाएगी? पुस्तक। मतलब पर रख लगा है तो हमारा हो गया अधिकरण कारक। ठीक है, जैसे जैसे कहते हैं पेन को पेन बॉक्स में रख दो, बॉक्स में, तो उसका आधार क्या है? बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर रख दिया में, तो वहाँ पे भी अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक है जहाँ पे इसका अर्थ हे हो हरे, जैसे हम लोग कहते थे हे राम रक्षा करो, या किसी को बुलाते हैं मन में तो आदरणीय या माननीय रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो वहाँ पर संबोधन के लिए जो सब प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक, एक बार बेटा फिर हम देख लेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, कर्ण का होता है से, के द्वारा, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का से अलग होना, संबंध कारक का होता है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक होता है मे, पे, पर, और संबोधन कारक होता है हे, हो, अरे। अब इसमें जो आपको नहीं आता है वो हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा बेटा, इसकी परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के आठ भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसकी विभक्तियाँ भी होती है, जो ये होता है हमारा प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति।